अगर आपके तीन तीन हिस्से कर दिए जाएं तो क्या आप जिंदगी जी पाएंगे? राजस्थान के नागौर जिले में एक गांव का यही हाल है। आइए देखते हैं सहारा समाचार की ये एक्सक्लूसिव खबर। ये है नागौर जिले का कैरपुरा गांव, जो तीन तहसीलों की सीमाओं पर बसा हुआ है। तीन विधानसभा क्षेत्रों और तीन ग्राम पंचायतें इस गांव का हिस्सा हैं। गांव का ये तीन का फेरा यही खत्म नहीं होता। जब यहां कभी विवाद होता है तो यहां तीनों थानों की पुलिस पहुंच जाती है। विधायक भी तीन तीन हैं। बावजूद इसके गांव में समस्याओं का ढेर लगा हुआ है। कुचामन लेके जाते हैं तो आज 500 रुपया एक जीप वाला लेता है। मामूली किसी को बुखार भी हो जाती है तो उसको कुचामन जाने में। हमारे यहाँ की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। आज ये हमारी आबादी एक जगह होती ना तो हमारा गांव रेवेन्यू विलेज बन जाता। सेवा को नहीं कोई माने, गांव में साधन को नहीं देते। आबा जाबा को तुम्हारा ये घन बजार बैठे 30-30 वर्ष का। कैरपुरा में पीने की पानी की किल्लत के अलावा पानी में फ्लोराइड की मात्रा भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बुजुर्गों के हाथ पैरों में दर्द तो रहता ही है, बच्चों पर भी इसका खासा असर देखा जा रहा है। जबरदस्त समस्या है, बच्चों के सबके दांत खराब हो रहे हैं। एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसके दांत बिल्कुल सही हों। और वैसे भी बच्चे बता रहे हैं खड़े हो और बैठने पर दर्द करते हैं। लंबे अरसे से इस गांव के लोगों की इस तीन पैर से निकाले जाने की मांग है। जब हमने इस मामले को लेकर तहसीलदार से बात की तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और इसका ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ दिया। एक ही गांव के लिए तो या तो तहसील का जब पुनर्गठन हो उसमें ये एक ही ग्राम पंचायत में आ जाए तो इनकी ग्राम पंचायत अलग हो सकती है। ये राज्य सरकार के यहाँ से प्रस्ताव जाए, राज्य सरकार इसका कर सकती है। कैरपुरा गांव को जब तक तीन के फेरे से निकाला नहीं जाएगा तब तक ये गांव विकास से महरूम रहेगा। इस गांव की विकास की राह तभी आसान हो सकती है जब इसे किसी एक ग्राम पंचायत या तहसील का हिस्सा बना दिया जाए। शबीक अहमद उस्मानी के साथ सहारा न्यूज ब्यूरो नागौर।